ओम श्री हरि नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, आज का जो ये वीडियो है वो सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा एक अलग तरह का वीडियो होने वाला है। साथियों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं शनि महाराज के बारे में। साथियों, शनि महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जिसका नाम सुनते ही आज ज़्यादा लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर शनि इतना खतरनाक है। साथियों, मेरा कहना मानिए और मैं जितना जानता हूँ, मुझे ये लगता है कि शनि इतना ख़राब ग्रह नहीं है जितना कि आज लोगों ने दिमाग में उनके बारे में बैठा लिया है। साथियों, शनि एक ऐसा ग्रह है जो जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी हिसाब से फल देता है। साथियों, आज मैं शनि के बारे में तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, एक मैं बात करने वाला हूँ 7.5 के बारे में। अच्छा, ढैया के बारे में। तीसरा, कंटक शनि के बारे में। साथियों, अभी तक आपने 7.5 ढैया के बारे में सुना ही होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कंटक शनि कहाँ से आ गया। लोगों से दो चीज़ें तो झिलती नहीं हैं, तीसरा कंटक शनि और कहाँ से आ गया। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी जातक की कुंडली में जितना असर 7.5 और ढैया देते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा असर कंटक शनि देते हैं। तो साथियों, अब हम किस प्रकार से देखेंगे कि हमारे कुंडली में 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है या कंटक शनि का कोई प्रभाव है। साथियों, आज का ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आज आपके दिमाग में बहुत सी जो भ्रांतियाँ हैं वो सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो लोग शनि से डरते हैं, शनि को बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं 7.5 होता क्या है। साथियों, हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली में कुछ कुंडली इस तरह की होती है, आपने साथ अपनी कुंडली खुद देखी होगी, ये किसी जातक के यहाँ पर लग्न होता है जिसको हम लग्न मानते हैं। साथियों, हम किसी कुंडली को हम तीन तरीके से देखते हैं। एक, जहाँ पर लग्न होता है इस वजह से लग्न मानते हैं। दूसरा, जहाँ पर चंद्रमा बैठे होते हैं उसको भी हम लग्न मान के हम किसी भी जातक के प्रेडिक्शन को देखते हैं, उसके ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा जहाँ पर सूर्य बैठा होता है उसको भी लग्न मान के हम कई बार प्रेडिक्शन करते हैं। जब कोई चीज़ हमें इन तीनों चीज़ से दिख जाए तो उसके बाद हम अगर कोई प्रेडिक्शन करते हैं तीनों चीज़ों को देख करके, उसका फल काफ़ी हद तक सही होता है। साथियों, आज हम लोग सिर्फ बाकी बातों पर बात ना करते हुए सिर्फ हम बात करेंगे 7.5, ढैया और कंटक शनि के बारे में। साथियों, आप लोग चाहें तो अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, आपकी कुंडली में जहाँ पे भी शनि और चंद्रमा लिखा हुआ है, जिस भी राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, आज सारी बातें उसी राशि से रिलेटेड होने वाली हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए उसका 5 नंबर लिखा हुआ है। अगर 5 नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर की उसकी कुंडली हुई। तो साथियों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि शनि 7.5, ढैया, कंटक शनि को हम किस प्रकार देखते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम शनि के 7.5 के बारे में। साथियों, जब भी गोचर में शनि, गोचर में यानी जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, वो हर दिन अपना राशि परिवर्तन करते हैं या हर दिन अपने चाल बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से आप किसी भी नॉर्मल पंचांग में या पत्र में देख सकते हैं कि हाँ कब कौन सा ग्रह कहाँ पर है, इस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आज के टाइम में शनि मकर राशि में शनि है, इस टाइम शनि है। तो अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है और शनि इस जगह पे बैठा होगा, क्योंकि 10 नंबर यहाँ पर, तो शनि इस टाइम मकर राशि में है, तो मकर राशि में शनि यहाँ पे होंगे। अब आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि शनि आपके कहाँ बैठा हुआ है और गोचर में शनि कहाँ पर है। साथियों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो किसी नेटल चार्ट में कहाँ पर शनि बैठा हुआ है उससे उसका ज़्यादा संबंध नहीं है। जहाँ पर गोचर में अभी, गोचर यानी कि जो ग्रह स्थिति अभी है, उसके हिसाब से ये फल आदेश सारा होता है, उसका सारा फल होता है। साथियों, जब भी किसी जातक की कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है उससे 12वें स्थान चंद्रमा के ऊपर से या उसे दूसरे स्थान पर जब विचरण करता है या गोचर करता है, तब जातक को 7.5 होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमने अभी मान लिया कि यहाँ पे सिंह राशि में चंद्रमा है किसी जातक के, तो जब सिंह, जब चंद्रमा शनि
कर्क राशि में होंगे तो उस जातक का 7:30 स्टार्ट हुआ होगा। जब 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 शनि सिंह राशि में होंगे तो उसका 7:30 या दूसरा चरण चल रहा होगा। और जब शनि जब जातक के कुंडली में शनि कन्या राशि में होंगे तो उस समय जातक का तीसरा चरण चल रहा होगा। साथियों इस तरह के हम 7:30 देखते हैं। अब साथियों हम बात करें ढैया के बारे में। हम इसी कुंडली को ही मान लेते हैं और इसी कुंडली के हिसाब से हम सारी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर शनि चंद्रमा यहाँ बैठे होते हैं वहाँ से चौथे स्थान पे या आठवें स्थान पे जब भ्रमण करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं इस राशि के हिसाब से, शनि अगर मान लीजिए गोचर में आज से लगभग 2 साल 1.5 साल पहले, यानी इस पिछले साल शनि यहाँ पर थे तो शनि नौ नंबर में धनु राशि में थे तो इस समय इस जातक का ढैया चल रहा था। ढैया इस जातक के लिए जो वो ढैया रहा होगा वो इतना ख़राब नहीं रहा होगा, लेकिन उसका ढैया चल रहा था। और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब अष्टम शनि होते हैं चंद्रमा से, तब वहाँ पर अष्टम शनि होता है जो कि हर जातक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वो बुरा माना जाता है। साथियों मैंने अभी तो जो बात की है, मैंने दो बातों पर डिस्कस किया आपसे, एक किसी जातक की कुंडली में ढैया कैसे देखते हैं, साढ़े जातक कैसे देखते हैं ये बता दिया। अब हम बात करते हैं साथियों कंटक शनि क्या होता है। कंटक शनि जब भी जातक की कुंडली में शनि उसके चौथे स्थान, सातवें स्थान या दसवें स्थान से भ्रमण करता है तो उस जातक के कुंडली में कंटक शनि होता है। यानी कि उस जातक की कुंडली में चौथे नंबर में, सातवें नंबर में या दसवें नंबर पर शनि होता है तो उसको कंटक शनि कहा जाता है। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी क्लियर रूप से बता दिया कि साढ़ेसाती क्या होता है, ढैया क्या होता है और कंटक शनि क्या होते हैं। साथियों अब तो हम अगर हम बात करते हैं इस हिसाब से, अगर हम बात करें, मैं दूसरी कुंडली बना देता हूँ कि मान लीजिए कि चंद्रमा को हमने यहाँ रख लिया, एक कुंडली हमने बनाई है, कुंडली को हम एक तरह से विचार करने के लिए रख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही है। अब इस हिसाब से हम बात करें तो जब शनि यहाँ पे हुए, यहाँ पे हुए, यहाँ पे हुए तब दिक्कत, शनि जब यहाँ पे हुए तो दिक्कत, शनि जब यहाँ हुए तो दिक्कत, शनि यहाँ हुए तब दिक्कत, यानी इस जातक की कुंडली में शनि जब इन इन हिस्सों में आएंगे तो सब उस जातक को प्रॉब्लम होने वाली है। अब तो फिर बचाई क्या। और ऊपर सब हम ये भी कहते हैं कि शनि की दृष्टि तीसरी और दसवीं दृष्टि होती है, इस हिसाब शनि यहाँ बैठे तो इन्होंने तीसरी दृष्टि से इसे देखा, इस भाग को प्रसन्न किया, सातवीं दृष्टि यहाँ दी, यहाँ प्रसन्न किया, इसके बाद यहाँ देखा, फिर यहाँ प्रसन्न कर दी उन्होंने। साथियों इस हिसाब से तो सिर्फ एक कुंडली मिला के एक बार में 3 या 4 ही भाव ऐसे बचते हैं जिनमें शनि ने शनि को एक साथ प्रभाव ना डाले। साथियों क्या लगता है कि आपको सिर्फ शनि हर जातक की कुंडली में सिर्फ उसे दुख देने के लिए ही होते हैं? तो साथियों नहीं, हर जातक की कुंडली में शनि की जो पोजीशन होती है, जिसकी जो चार्ट में जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से शनि बहुत ज़्यादा फल देते हैं। उनके फलों में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते, जब तक हम किसी जातक की कुंडली को एक उसकी कुंडली के हिसाब से नहीं दिख लेते तब तक हमें ये कुछ नहीं कहना चाहिए कि शनि किसी जातक की कुंडली में खराब फल देने वाला है, अच्छा फल देने वाला। साथियों मैं ये खुद कह सकता हूँ आपको कि मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जिन लोगों के कुंडली में शनि खराब स्थिति में होते हुए भी उन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे फल मिले हैं। साथियों तो इसलिए सिर्फ एक ग्रह को देख करके कि हाँ इस ग्रह में ये प्रॉब्लम है, इस ग्रह में ये दिक्कत है, इसकी वजह से जातक की कुंडली जातक को इतनी समस्या आने वाली है, ये कहना सिर्फ एक तरह से बिल्कुल नासमझी होगी। और मैं सभी लोगों को सलाह देता हूँ कि कभी किसी को भी बिना कुंडली पूरी तरह विचार न किए बिना उसको आप फलादेश मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ 7:30 इंसान के जीवन में कभी फर्क नहीं ला सकती। साथी और आप एक बात यहाँ बताने वाली ये भी है कि लोग कहते हैं कि 7:30 चल रही है मेरे ऊपर, ढैया चल रहा है मेरे ऊपर। अरे भैया बात देखो सही, उस 7:30 में आपको क्या फल मिलने वाला है, उस 7:30 में आपको क्या कोई ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होने वाला है। साथियों जब शनि किसी भी कुंडली में 3:30 चलती है तो 3 उसके चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक 2 नंबर का कुंडली है, अब चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, अब शनि जब यहाँ पर आएंगे तब उसे 7:30 उसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप बताइए क्या किसी इंसान के 7.5 साल बेकार चल जाएंगे? नहीं साथियों, जब ये 7.5 साल में 7:30 जब स्टार्ट होती है तो शनि से पहले क्या करते हैं, 2.5 साल उस व्यक्ति को
उस व्यक्ति का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को झकझोर देते हैं कि हाँ आपने ये काम कैसे किया है, जो काम उसने कर्म में अब तक किया होता है उसका फल देने के लिए वो उसकी रिपोर्ट दिया करते हैं, FIR दर्ज करते हैं कि हाँ FIR दर्ज हो गई, क्या क्या उसने कर्म किए हैं, कैसे कैसे कर्म किए, उसके हिसाब से पूरी एक चार्ट बना लेते हैं कि हाँ अब उसे क्या फल देने वाले हैं। उसके बाद जो अगले 2.5 साल होते हैं, उन 2.5 साल में शनि महाराज उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उसका मनोबल गिरा देते हैं। वो व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसका खुद को लगता है कि हाँ भैया मैं काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, ये डिसीजन वो नहीं ले पाता। उस इंसान को लगता है कि मैं कितना दुखी हूँ, कितना लोग मेरे लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि मैं नीचे बहुत ज़्यादा मेरे को दुख मिले या इस तरह हो, इस तरह के विचार उसके अंदर आने लगते हैं। और इस समय ये साथियों किसी भी जातक कुंडली में जो ये समय होता है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा वाला होता है। इसके बाद साथियों अब क्या हुआ, शनि महाराज ने आपकी कुंडली में आपको देख लिया कि आप किस प्रकार का इंसान हो, आपको दंड देने के लिए उसने क्या दंड मिलना चाहिए वो दंड दिए, दंड के बारे में सरासर लिखा जो हमारा लिया। जब कुंडली में शनि यहाँ पर आते हैं चंद्रमा से दूसरे भाव में आते हैं, ये समय साथियों किसी जातक की कुंडली में आप किसी को देखना साथ चल रहा हो खत्म होने वाला जब होता ना, तो उस समय उसको दंड मिलता है, प्लस उसको ये समझ में आ जाता है कि हाँ अगर मैंने उस जगह पे ये काम नहीं किया होता, अगर मैंने ये काम उस जगह पे इस तरह किया होता, मुझे बहुत बेनिफिट मिलता। ये 7 साल होते हैं, इन 7 सालों में 2.5 साल आपका सिर्फ और सिर्फ एक अक्ट पर नज़र रखा जाता है, फिर आपके खिलाफ पूरी FIR दर्ज होकर के आपके ऊपर कोर्ट केस चलता है, यहाँ आपको फल मिलता है और आप क्यों एक ऐसा व्यक्ति बनकर निकलते हैं जो कि सोना होता है। साथियों कभी भी आप शनि को खराब मत समझिए, मुझे लगता है इस संसार में अगर शनि को न्यायाधीश की पदवी मिली हुई है तो उनसे बेहतर कोई न्यायाधीश दुनिया में हो नहीं सकता था, इसलिए उन्हें न्यायाधीश की पदवी मिली हुई है, ये पदवी में वो खड़े उतरते हैं। तो इसलिए साथियों डरो मत, जब भी कोई हो अगर आप समझिए एक बार को कि शनि महाराज अगर ऐसे नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि संसार में सभी लोग अच्छे होते, कभी नहीं हो सकते अच्छे, सभी लोगों को शनि का डर है या शनि आप देखो आज टाइम में देता हूँ जितने मंदिर में चले जाओ आप हर मंदिर में आपको सिर्फ शनि महाराज की मूर्तियाँ मिल जाती हैं, चाहे भगवान विष्णु की मूर्ति हो ना हो लेकिन हर मंदिर में शनि भगवान की जो मूर्ति मिल जाएगी। अभी तो बीच में कहीं जगह मैंने देखा था कि भगवान की मूर्ति हो ना हो साईं बाबा की जो मूर्ति जरूर मिलती थी, आज का ट्रेंड बदल गया है, आज सब लोग सिर्फ शनि से डर रहे हैं। इस दुनिया में जो भी मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों ने धंधा बना रखा है कि लोगों को डराओ और अपना काम निकालो। साथियों कभी भी डरना नहीं है, सिर्फ समझना है कि हाँ क्या हो सकता था। साथियों कोई ब्राह्मण, कोई ज्योतिषी, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आपका कोई भला नहीं कर सकता, भला कर सकता है तो सिर्फ आप हैं। साथियों आप एक बात समझिए, भगवान ने जब हमको इस संसार में हमारा जो जन्म दिया है उन्हें ये सोच के तो नहीं दिया था ना कि भैया इसको मैंने जन्म दिया है इसको सिर्फ कष्ट देने, नहीं। साथियों हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमें इस जन्म में अच्छे और बुरे कर्म करने को प्रेरित करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग छोटे बच्चे होते हैं बड़ी अच्छी बातें करते हैं और मतलब उनकी बातों सुन के लगता है कि हाँ कितना अच्छा ज्ञानी बंदा है बच्चा है, और भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे होते हैं जो उन्हें हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के लिए आतुर रहते हैं, तो क्या उन बच्चों को सिखाता है? हर माँ बाप ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत संस्कारी और अच्छा हो, कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बहुत ख़राब हो, लेकिन उन सबको वही सब चीज़ें मिलती हैं जो उन्होंने पूर्व जन्म में किया होता है, उस पूर्व जन्म के हिसाब से उनको जन्म मिलता है और जन्म के हिसाब से ही उनके कर्म होते हैं। साथियों तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो है आप अपने कर्मों को बदलिए। आपको सारे साथी चल रही है कोई बात नहीं, ये तो ग्रहों का चक्र है, चलने में कोई दिक्कत नहीं हो चलेगा, ये आप हैं तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो साथियों कभी घबराइए मत, सारे साथी चल रही है, अपने कर्मों में थोड़ा सा अंतर कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, जहाँ तक हो किसी की बुराई मत कीजिए, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई मत कीजिए, लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, कोई गरीब मिल जाए उसको थोड़ा मदद कीजिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है। हाँ जितना टाइम मिले जितना भी वक्त मिले आपको भगवान को याद जरूर कीजिए, क्योंकि उससे बड़ी सत्ता दुनिया में कोई नहीं है। आपका इष्ट देव, आपका इष्ट जो होता है वो आप उसकी इष्ट की साधना कीजिए। आप अगर आपका इष्ट आपका सही है, चाहे कोई शनि हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे मंगल, कोई भी ग्रह हो, अच्छे ग्रह भी बुरा फल दे देते हैं, बुरे फल भी ग्रह भी अच्छे फल दे देते हैं, तो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको देखने वाले हैं। साथियों आज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आज की वीडियो में मैंने आपको कंटक शनि, सरस्वती और ढैया के बारे में बताया है। इसके बारे में कोई प्रश्न हो जरूर लिखिएगा, मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देकर बहुत खुशी मिलती है। और साथियों
कोशिश कीजिए मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मेरे भी फॉलोअर्स बढ़े और मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ, जो मैंने जो मेहनत करके जो वीडियो बनाता हूँ उसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और कोई प्रश्न हो जरूर लिखिए। धन्यवाद।